आज है 30 सितंबर, मैं आया हूँ इकाना स्टेडियम मैच देखने के लिए। मैं किसी भी ग्राउंड में पहली बार जा रहा हूँ मैच देखने के लिए, वो भी जो भी प्रो लीग हो रहा है। स्टेडियम है, सामने प्लासियो है और इधर ये पुलिस हेडक्वार्टर है, सारे आसपास हैं। मेरा तो गेट नंबर 2 में है। यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं, सारे बुक हो गए हैं बुक माय शो पर, एक टिकट भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पहला मैच है, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। यहाँ पर पूरा स्टेडियम खाली है। कहाँ से आया भाई? कहाँ खाली है स्टेडियम? पूरा स्टेडियम खाली है। झूठ बोल रहा हूँ भाई, बुक माय शो में तो नहीं दिखा रहा। बुक माय शो में दिखा रहा, तो क्या हुआ? पूरा स्टेडियम खाली है। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं, पूरा अंधेरा हो गया एकदम ये, लेकिन स्टेडियम के बाहर पूरा खचा खची है, पब्लिक सब भाग रहा है कि अंदर आ कितनी जल्दी जल्दी एंट्री ले। ये भाई साहब लोग आए रायबरेली से, इनका सबका गेट नंबर 2 में है। अब हम एक गेट नंबर 1 में जा रहे हैं और अब जा रहे हैं एंट्री करने, क्योंकि ये भाई साहब को टिकट मुझे दिलाना पड़ा, ब्लैक मटेरियल लेकर दिलाना पड़ा है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ये दोस्तों मेरा इधर एंट्री है, सारे लोग चले गए हैं भाई, बाहर मैं ही अकेला बचा हूँ। काफी लेट में जा रहा हूँ, टॉस भी हो चुका, कौन जीता कौन टॉस नहीं पता नहीं चल रहा। अरे भाई शुरू हो गया क्या? अभी नहीं यार, टॉस हो रहा है। कौन टॉस जीता भाई? लखनऊ जीत का बॉलिंग करेगी, जीतेगी। ये भाई एंट्री हो रही है हमारी सबकी, ये इधर का एलवन ऊपर ही है, ऊपर ही है, ऊपर ही। चलो भाई ऊपर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया भाई। टॉस हो चुका, कौन जीता कौन हार रहा है। चलो भाई, बहुत ऊंचाई पे आना पड़ा, कहाँ घुसेड़ दिए अंदर यार, इधर तो कब एंट्री कर रहे हैं भाई। VIP पास मिल गया है। मैच डेज में फैंस के लिए यूपी मेट्रो ऑन रहेगा, तो यूपी मेट्रो का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूपी मेट्रो। जहाँ बैठा हूँ दोस्तों, जस्ट नीचे यहीं पर ये ग्राउंड है। ये भाई एहसान, तो आज का मैच देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा। और ये लखनऊ सुपर जायंट का जो मैच हो रहा है इकाना स्टेडियम, इस बार बैटिंग पिच बना दिया गया है। 13.1 ओवर है, 125 रन यहाँ पर स्कोर पर हो गए हैं। यहाँ से पूरा व्यू ले सकते हैं आप, एक बार पूरा व्यू ले सकते हैं आप। ये अभी देखिए यहाँ से ऊपर से। चलो आपको प्लेयर के पास ले चलता हूँ, जब मैं यहाँ पर हूँ और आपको प्लेयर के पास ले चलता हूँ। ये पूरा खचा खच भरा दोस्तों स्टेडियम। ये भाई रवाड़ा को इधर लगा दिए हैं थर्ड मैन की तरफ, अभी बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे हैं बदोनी, नॉन स्ट्राइकर हैं पूरन, अभी एक गेंद खेले हैं और काफी मजा आ रहा है दोस्तों। आज का मैच लखनऊ में पहला मैच इस बार हो रहा है और शानदार मैच, मजा आ गया भाई देखने मैच। अभी मजा तो आएगा जब जॉनी बेस्टो उतरेंगे, शिखर धवन ओवर की अगली गेंद, ओए खेल दिया है फाइनल थर्ड मैन की तरफ। ये रबाड़ा है भाई, रबाड़ा छूट रह गई, पकड़ लिया भाई। कुणाल पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, 16 गेंदों 35 रन बनाकर, देखना पहली गेंद को यहाँ पर खेल दिया, गेंद जा रही है लांगान की तरफ सामने, सैम करन गेंद को पकड़कर थ्रो किया 1 रन। अभी 5 गेंद है, देखना है दोस्तों कितना रन बन पाता है। 19.1 ओवर, 192 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से लखनऊ का इकाना स्टेडियम बैटिंग पिच बना दिया गया, काफी ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों। जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स की भी मजबूत टीम है, उसी तरह बैटिंग भी उनकी पंजाब किंग्स की भी बैटिंग काफी अच्छी है। देखना जिस तरह से शिखर धवन है, जॉनी बेस्टो है, साथ में यहाँ पर सैम करन, बैटिंग पंजाब किंग्स की भी लाजवाब है। देखना यहाँ पर मैच कहाँ तक जाता है। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स मैच को जीत चुकी है और जिस तरह से मैच हुआ भाई, काफी ज्यादा मजा आ गया। KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और 20 ओवर में 199 रन बनाए थे। जिस तरह से डिकाक ने 54 रन बनाया था, उसके बाद बारी आती है पूरन की, पूरन ने बनाए 42 रन, उसके बाद कुणाल पांड्या की बारी आती है, कुणाल पांड्या ने बनाए 43 रन। जिस तरह से बल्लेबाजी की 199 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन
पंजाब भी इसकी बल्लेबाजी करने के लिए जब उतरे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था 10 ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट किसी तरह मैच में है। जिस तरह से धवन मार रहे थे, जिस तरह जॉनी बेस्टो मार रहे थे, उसके बाद बारी आती है भैया मयंक यादव की। जिस तरह से बॉलिंग की बंदे ने 156 किलोमीटर प्रति आवर 150 किलोमीटर प्रति आवर जॉनी बेस्टो को आउट किया, उसके बाद 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिया उस बंदे ने। उसके बाद बारी आती है मोहसिन खान, दोनों ने जिस तरह से मयंक यादव मोहसिन खान ने मिलकर जिस तरह से मैच को जिताया है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाकी मैच देखने मजा आ गया। वैसे लोग बोल रहे थे कि इकाना बॉलिंग पीछे, इकाना बॉलिंग पीछे, जिस तरह से इसको जैसा क्रू की जितनी तारीफ की जाए क्रू मेंबर की उतना कम है। जिस तरह से इसको बैटिंग पिच बना दिए, हाई स्कोरिंग मैच हुआ, 199 रन बने पंजाब किंग्स ने, 178 रन बनाया, 21 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स मैच को जीता भी है। तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया हम सभी ने। पहला मैच था यहाँ लखनऊ सुपर जायंट का, दूसरा मैच 7 तारीख को होने जा रहा है गुजरात टाइटन के साथ। अब मैच देखने के बाद हम सब काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट किए। अब जा रहा हूँ घर भाई, आऊँगा 7 तारीख को। पैसा वसूल मैच हुआ भाई, पूरा मजा, पूरा फुल एंटरटेनमेंट भाई हम सब ने किया है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिस तरह से मूवमेंट बन रहा था मैच में लगातार, ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर तक तो लखनऊ सुपर जायंट्स कभी नहीं जीत पाएगी। अकेले दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को आज जिता दिया। जिस तरह से जॉनी बेस्टो को आउट करके लखनऊ पंजाब किंग्स की रीढ़ तोड़ी है, उसके बाद लगातार विकेट गिरते गए, फिर उसके बाद पंजाब किंग्स वापसी नहीं कर पाया और टारगेट लगातार बढ़ता गया। ऐसा ही कान स्टेडियम को सजाया गया था पहला दिन जिस तरह से था। बाकी हम सब जा रहे हैं भाई घर, यही से 5 किलोमीटर दूर में टिका हूँ।